आज हम सबसे पहले एंजल्स क्या होते हैं ये तो हम जानेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बहुत सारे लोग आपके आपके पास ऐसे आते हैं जो एंजल कोर्स के साथ जुड़े हुए नहीं होते हैं, जिन्होंने एंजल कोर्स नहीं सीखा होता है, लेकिन तब भी उनको एंजल्स के साथ कनेक्शन होता है, उनको एंजल्स दिखते हैं, उनसे एंजल्स बात करते हैं और उनको हर छोटी मोटी प्रॉब्लम में एंजल्स उनको हेल्प करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एंजल कोर्स सीखते हैं लेकिन फिर भी उनकी उसके ऊपर पकड़ नहीं होती है, उनकी कनेक्टिविटी नहीं होती है और वो कंफ्यूज ही रहते हैं कि वो कैसे करें क्या करें, हमेशा कंफ्यूजन स्टेट पे रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे। ऐसा इसलिए होता है कि जो लोग एंजल्स के साथ जुड़े होते हैं वो लोग प्योर सोल होते हैं, एंजल्स सिर्फ प्योर सोल के साथ ही कनेक्ट होती है। कई बार हम लोग सारे कोर्सेज भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा मेंटल, हमारा जो स्टेट होता है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट होता है, हम बहुत लॉजिक्स लगाते हैं अपनी चीजों के अंदर, हमें हमें विश्वास नहीं होता कि ऐसा कैसे हो गया। ऐसे सिचुएशंस पर एंजल्स हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाती है, लेकिन हम 100% उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उनके ऊपर विश्वास करते हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम उनके ऊपर स्ट्रांग होता है, हम प्योर सोल होते हैं, हम मेडिटेशंस के साथ जुड़े हुए होते हैं, हम हीलिंग्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, हम रेकी के साथ जुड़े होते हैं। जब हम रेकी सीखते हैं रेकी 1 और 2 लेवल, एंजल्स ऑटोमेटिकली हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब हम रेकी सीखते हैं तो हम अपने चक्रास के ऊपर काम करते हैं, हम मेडिटेशंस करते हैं, रेगुलर हमारे मेडिटेशंस चलते हैं, उसके अकॉर्ड जब हम वो सब कुछ करते हैं तो हमारे चक्रास बैलेंस होते हैं, तो हमारी सोच अच्छी होती है, हमारा मेंटल स्टेटस अच्छा होता है, जिसकी वजह से हमारी अंदर एक पॉजिटिविटी आती है और एंजल्स हमारे साथ में कनेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आपका पॉजिटिव स्टेट में रहना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि एंजल्स आपके साथ कनेक्ट हो और आपको उसके ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिले और आप उसमें ज्यादा से ज्यादा काम कर सके। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका पॉजिटिव माइंड में होना चाहिए, पॉजिटिव स्टेट होनी चाहिए। और जो सबसे अच्छा जो कनेक्शन हम आंसर्स जो हमें मिलते हैं, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, अधिकतर जब भी हम कहीं पे भी जाते हैं कोई कोर्स को जब हम सीखते हैं, अधिकतर लोगों की जो सोच होती है वो ये होती है कि मैं यहाँ से ये सीखूं, मतलब कि मैं यहाँ से ये लूं और फिर मैं इससे ये करूं वो करूं वो करूं, ऐसे हमारी सोच होती है। लेकिन अगर वहीं पर हमारी सोच एक समर्पण भाव में आ जाती है तो हमें सब कुछ मिल जाता है। नॉर्मल हम मंदिरों में भी जाते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमारे को ये दो, हमारे को वो दो, हमारे ये प्रॉब्लम है, हमारी वो प्रॉब्लम है। अगर हम निस्वार्थ भावना से उस प्रभु को याद करते हैं, समर्पण कर देते हैं, हम सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देते हैं, तो ऑटोमेटिकली अपने आप सब काम होने शुरू हो जाते हैं। तो समर्पण की भावना होना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि एंजल्स आपके साथ कनेक्ट हो या कोई भी पॉजिटिव एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट हो, तो समर्पण होना बहुत जरूरी है। समर्पण मतलब आपने पूरी तरीके से एंजल्स के ऊपर छोड़ दिया, ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया। कई बार आप देखेंगे ऐसा कुछ होता है कि हमारी एक जिद होती है, हमारी एक जिद होती है कि हमको ये, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, और हम उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, इधर उधर जाते हैं। कई बार हम लोग नेगेटिव चीजों में भी चले जाते हैं, ऐसी कुछ विद्याएं होती हैं वहां पे भी चले जाते हैं कि हमारा ये काम होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। आप देखेंगे कई बार हमारा वो काम हो भी जाता है, लेकिन हम उस काम को होने के बाद हमें उस काम का सुकून नहीं मिल पाता, हमें जो उसका रिजल्ट मिलना चाहिए हमें वो नहीं मिल पाता। लेकिन हमने उस चीज को मांगा तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो चीज हमको मिली, लेकिन वो चीज हमारे काम की नहीं है। तो ऐसी चीज में अगर आप उसको समर्पण कर देंगे, आप ईश्वर पे छोड़ देंगे, एंजल्स पे छोड़ देंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि जो आपको हमारे लिए बेस्ट लगे आप वो कीजिए, मैं ये चाहता हूं लेकिन जो आपको लगता है कि मेरे लिए सही है वो आप करें। जब ऐसे आपके मन में भावना आनी शुरू हो जाएगी ना, तो एंजल्स ऑटोमेटिकली आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ लोग बहुत जिद्दी होते हैं, वो अपनी जिद पकड़ लेते हैं कि ये काम होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, तो इसलिए वहां पर उनका कनेक्शन नहीं बन पाता।
क्योंकि अगर कोई बच्चा भी होता है ना हमारे घर में, अगर वो बहुत जिद करता है, बहुत जिद करता है बहुत, तो हम उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर सकते हैं, पर हम उसकी 100% रिक्वायरमेंट्स को पूरी नहीं कर सकते। तो हम भी उनके बच्चे ही हैं, ठीक है ना। जब हम रेकी के साथ जुड़ते हैं, जब हम रेगुलर मेडिटेशंस करते हैं, हीलिंग मोडालिटीज के साथ जुड़ते हैं, तो हमारे अंदर समर्पण की भावना आ जाती है, क्योंकि हमारे मन की सफाई हो जाती है, हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है उस यूनिवर्स के साथ, हमारी जो सोल होती है वो प्योर सोल हो जाती है। लेकिन जो लोग लॉजिकल माइंड के साथ चलते हैं, उनके साथ में प्रॉब्लम आती है। तो ये चीज को बहुत इंपॉर्टेंट रखने वाली चीज है। सेकेंड पॉइंट ये होता है कि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना पड़ता है, हमको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना पड़ता है कि भाई ये होता है, ऐसा होता है तो ऐसा होगा। कहते हैं ना, जादू उन्हीं के जीवन में होता है जो जादू पर विश्वास करते हैं। अगर आपको विश्वास ही नहीं है तो फिर वो काम नहीं होता है। तो इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को आपको ट्रेन करना पड़ेगा कि ये काम होता है तो वो काम होता है। उसके अलावा हम उनके साथ अपने कैसे कनेक्शंस को बनाते हैं, जैसे कि हम जब रेकी सीखते हैं तो हमारे रेकी के 5 प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उसी तरीके से हमारे एंजल इसके लिए ग्रैंड एंजल लेवल में भी हमारे अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हम रेगुलर अफर्मेशन देते हैं। रेगुलर अफर्मेशन करते हैं, जब हम रेगुलर उनकी अफर्मेशन देते हैं तो हम ऑटोमेटिकली कनेक्शन हमारा बनना शुरू हो जाता है। उसके अलावा हमारी फूड हैबिट्स, हम लोग अपना फूड के ऊपर हमें अपना ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया के अंदर वेजिटेरियन आप बहुत इजीली आपको प्रोवाइड हो सकता है, लेकिन तब भी हम नॉन वेजिटेरियन की तरफ जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, जो अल्कोहल लेते हैं, इस तरह की चीजों को यूज करते हैं, तो फिर वहां पर आपके साथ एंजल्स कनेक्ट नहीं होती। लेकिन अभी आप देखेंगे कि दिसंबर 1993 के अंदर जो एक रिसर्च हुई थी उसके अकॉर्डिंगली अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा लोग हैं जो एंजल थेरेपी में विश्वास करते हैं, एंजल थेरेपी को मानते हैं। आप सोचिए कि इतना बड़ा एक स्ट्रॉन्ग देश एंजल्स को मानता है। पॉइंट कहने का ये है कि अमेरिका के अंदर नॉनवेज बहुत चलता है ना, बाहर विदेशी कंट्रियों के अंदर नॉनवेज बहुत चलता है, कुछ और खाने का जो सोर्स है वो वेजिटेबल्स कम है, नॉनवेज वहां पे ज्यादा लोग यूज करते हैं, लेकिन वो एक भोग भूमि है, और हमारा जो हिंदुस्तान है वो एक कर्म भूमि है। हमने अपने कोई ऐसी कर्मास करके हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, तो हम पहले ही ऐसे कर्म करके आए हैं, तो परमात्मा ने हमें कर्म भूमि में भेजा है, और वहां भी हम नॉन वेज खा के अपने कर्म और खराब कर रहे हैं, या एल्कोहल लेके या कुछ भी इस तरह की चीजों को यूज करके अपने कर्मास को और ज्यादा खराब कर रहे हैं। वो तो भोग भूमि में है ना, अगर उनको वहां पे 10% उसका नुकसान होगा तो इंडिया में आपको 100% उसका नुकसान होगा। उनको कर्म अनुसार उनको भोग भूमि मिली और हमको कर्म भूमि मिली। तो इसलिए अपने खान पीन के ऊपर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, जितना हो सके शाकाहारी खाना खाएं। शाकाहारी खाने के अंदर भी अगर आप रॉ वेजिटेबल्स अपने खाने में डालें, उसको अच्छे से वॉश करें नमक के पानी में, किसी भी तरीके से, आजकल तो बहुत केमिकल मार्केट में मिलते हैं उनको वॉश करने के, अच्छे से उनको वॉश करके और उसमें आप रॉ वेजिटेबल, क्योंकि रॉ वेजिटेबल आप देखेंगे अगर आप एक रॉ सब्जी को आप रखते हैं अपने फ्रिज में या अपने किचन में, और आप अपनी एक बनी हुई सब्जी को बना के रखते हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल को आप वहां पे रखेंगे तो वो 1 से 2 दिन में खराब हो जाती है, लेकिन जो आपकी रॉ वेजिटेबल है वो 4 से 5 दिन चलती है। तो यानी कि उसके अंदर ज्यादा एनर्जी लेवल है, और अगर आप ज्यादा एनर्जी को खाएंगे तो आपका भी एनर्जी लेवल बढ़ेगा, और जितना आपका एनर्जी लेवल अच्छा होगा आपका ऑरा अच्छा होगा, आप पॉजिटिव होते जाएंगे, आपकी सोच पॉजिटिव होती जाएगी, आप और जितना आपका ऑरा डाउन होगा तो आपका ऑरा कमजोर हो जाएगा, आपकी सोच नेगेटिव हो जाएगी। तो आप जितना अपने ऑरा को स्ट्रांग रखेंगे आप एंजल्स के साथ उतना ज्यादा कनेक्ट होंगे। और दूसरा